अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चाय वाला। ये जो मैं आपको केस स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये भाईजान, इनका नाम है तारिक लोधी, ही लिव्स इन दुबई। ये अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंसी की फर्म रन करते हैं। ही आस्क्ड मी कि मैं ना काफ़ी आई बीन टू लिंक्डइन, काफ़ी मैंने जंक है, आई हैव ट्राइड टू यूज़ लिंक्डइन, आई हैव ट्राइड टू डू नेटवर्किंग और मेरा काम नहीं बन रहा, आई एम नॉट गेटिंग क्लाइंट्स, व्हाट शल आई डू। तो ये जो आइडिया है ना, केस स्टडीज इसलिए देखनी चाहिए कि ये नहीं है कि आप अकाउंटेंसी रन करते हो, बट देर विल बी सर्टन एस्पेक्ट इसमें से जो आपके बिजनेस है उस पर दे विल बी अप्लीकेबल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो तारक साहब, यू ट्राइड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का ये मसला है कि एंड यू नो दुबई कैसी है, आप 3-4 मील भी दूर जाओ ना, 2-3 घंटे लग सकते हैं आने जाने में, बिकॉज एट सर्टन टाइम्स रश आवर के टाइम, स्पेशली जब काम हो रहा होता है, एंड दैट्स द कॉस्ट, फिर वो सालिक की कॉस्ट है, ये वो पार्किंग एवरीथिंग, आप दफ्तर नहीं हो। एंड फिर उल्टा होता है कि जब वो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, दैट विल बी यू नो लाइक हस्ताली है, क्योंकि मेरा एक BWD वाले हैं एंड दे आर इन एमरट्स टावर है ना, क्रीक साइड पे, तो एमरट्स वाली जो एमरट्स बैंक वाली जो बिल्डिंग है उसके बैक साइड पे डे टू डे वहाँ पे उनका ऑफिस है। दे आर द 4th बिगेस्ट अकाउंटेंसी फर्म इन द वर्ल्ड। तो दूसरा मेरा किधर है, मजाया बिल्डिंग, मजाया टावर्स में इन JBR, और दोनों के दोनों हम जब जो JBR वाले हैं, दे यूज़ टू बी ऑन वसल रोड और हम लोग शेख जायद रोड पे हुआ करते थे, सामने जाके यानी बुर्जल अरब से यानी दाएं फिर जाओ राइट फिर जाओ, एंड दैट्स व्हाई द ऑफिस यूज़ टू बी विला होता था, एंड यूज़ बी मच मच ईजियर। लेकिन क्या है कि 9-10 साल गुजर चुके हैं, वी हैव स्टिल दैट रिलेशनशिप, और क्या होता है कि वो मूव हो गए दूर और हम फ्री जोन में चले गए सिंस 2008, लेकिन रब्ता रखा हुआ है, इवन दो अब हमें तकरीबन घंटा डेढ़ लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए, एंड एमरट्स रोड पुरानी लेके हम जाते हैं वहाँ पे। तो द आइडिया इज़ के इन ग्राहकों को एक बार ले लो, बट उनको कन्वीनियंस भी दो करीब आने की। सो हाउ डू वी डू दैट, सिंपली पहुँचते हैं, आप जहाँ पे बेस्ड हो, जिस फ्री जोन में आप बेस्ड हो, आई नो दैट फ्री जोन, वहाँ पे एंड आई नो बिल्डिंग में जिसमें हो, यू आर इन अ टावर, ठीक है, उस टावर में कम अज़ कम, कम 28 स्टोरी का अगर टावर है तो कम अज़ कम एक टावर में 150-150, 200 दफ्तर होंगे, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इंस्टेड ऑफ कि दूर जाके यार नेटवर्किंग करो, पता नहीं वो बंदा किधर से आया हुआ, शायद शारजा से आया हुआ, किसी और जगह से आया हुआ, देयर इज़ नो नीड टू नेटवर्क देयर, और वो लोग देयर नॉट देयर टू गेट अकाउंटेंट्स। आप इनको तब पकड़ो जब ये अपने दफ्तर में है, अपने दफ्तर से निकलो, गो अराउंड, चेक हर अपने लेवल पे जाओ। अब मेरे सामने बताता हूँ, यहाँ पे एक स्कूल है जो बच्चों को डांसिंग वगैरह सिखाता है, सामने मेरे फिलिपिनी मैन पावर वाली कंपनी है, वो लेडीज़ को लेके आते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, वी अपने हमने दफ्तर उनसे कई बार क्लीन करवाया, आई थिंक द चार्ज 30 dirhams एन आवर या इस तरह कुछ, 50 dirhams जो भी है पर आवर उनको दे देते हैं, 2-3 घंटे की चीज़ क्लीन कर दो। फिर आगे वहाँ पे आई डोंट नो वो दोज़ लोग ये वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यहाँ वाले सिक्योरिटी फर्म है, दे प्रोवाइड सिक्योरिटी और हम हैं, ठीक है। सो वट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू निकलो, सबको जाके सलाम अलैकुम करो, एंड टेक विद यू अ तोहफा, और तोहफा ऐसा लेके जाना घटिया किस्म का ना हो, स्पेंड 35-40 dirhams, बेशक सुपर मार्केट में जो खुला इलाका होता है ना, जहाँ पे खुली स्वीट्स होती हैं, जहाँ पे अच्छी पैकेजिंग होती है, तो वो लेके वो ले आओ वहाँ पे, एक मैं आई गिफ्टेड दिस hundreds नहीं चलो दर्जनों टाइम कह लो, खजूर के आगे पीछे चॉकलेट होता है और दरमियान में उसके बादाम होता है, आई गिफ्टेड दैट सो मेनी टाइम्स यार, 35-35 dirham की मैं पैकेजिंग ले लेता हूँ, एंड आई गिफ्टेड एज मेनी टाइम्स एज आई नीड टू टेक दैट। जब अंदर दाखिल होंगे स्माइल होनी चाहिए, सेक्रेटरी हो, रिसेप्शनिस्ट हो, स्टाफ हो, हाय हेलो सलाम अलैकुम जो भी है करना है उनको, और कहना है कि आई वांट टू सी द पर्सन इन चार्ज, जो डिसीजन मेकर है, बॉस हो जाए, मैनेजर हो जाए, जो भी, मैंने उसको देखना है। और क्या होएगा, बिकॉज यू हैव स्वीट्स आपके हाथ में, क्या क्यों है, दे लास्ट क्यू वाई, एक तो स्वीट्स देखेंगे दिनों के, यार बॉस ने केले तो नहीं खानी, हैज़ टू बी शेयर, बंदा अच्छा न्यूज़ लेके आया, कोई मांगने के लिए नहीं आया कुछ, एंड इज़ नॉट नेगेटिव, एंड दे विल ट्राई द बेस्ट कि आपको बॉस के साथ रब्ता करवा दूँ, एंड इफ दे कैन नॉट डू दैट, ये भी पूछेंगे आपसे कि जी आप क्यों आए हो, कहना आई एम अ नेबर, आपका एक नेबर हूँ, जस्ट केम टू से हाय एक्सेट्रा एंड जस्ट टू सी व्हाट यू डू, तो आप पूछो उनसे, मैं कितनी बार जाता हूँ, व्हाट डू यू डू, बाहर एक छोटा सा साइन लगा होता है, अंदर जाके सारा पता चलता है, व्हाट डू यू डू। एंड जब आपने पहले पूछ लिया कि आप क्या करते हो, बिफोर यू मीट द बॉस, आपके यू विल बी एबल टू, वो जो स्क्रिप्ट है ना आपके जहन में पट्टी, वो आप बना लोगे, जी अच्छा आप सॉफ्टवेयर करते हो, मेरे 2-3 और भी सॉफ्टवेयर वाले क्लाइंट्स हैं, आपको पता होगा यार ये सिक्योरिटी करते हैं, तो मेरा फलां जगह सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं एक्सेट्रा। तो anyway, आप बैठ जाते हो उस बंदे के साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये लो जी तोहफा आपके लिए ले गया हूँ, वो इंस्टेंटली उसका जो गार्ड है ना वो गिर गया, नाउ यू कैन सेल हिम एनीथिंग। लेकिन हार्ड सेलिंग नहीं करनी, बट थोड़ी सी हार्ड सेलिंग उसमें पुश होनी जरूर चाहिए। भाईजान आप अपना कौन सा अकाउंटेंट इस्तेमाल करते हो, बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं ऊपर मेरा ऑफिस है, वो कहेगा जी मैं डेरा करता हूँ, दुआ वहाँ करता हूँ, फलां जगह करता हूँ, बोलो यार कम टू मी, मेरे पास आओ,
तुम्हें वो वक्त बच जाएगा जो तुम आगे पीछे जाते हो, तुम्हें कोई भी जहन में तुम्हारी आती है। रिमेंबर अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना वो सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करते, हिसाब किताब नहीं रखते, दे ऑफ्टन एडवाइज ऑन अ लॉट ऑफ लॉज एंड इश्यूज के कानून के बारे में भी आपको बताते हैं कि इसका कैसे संभालना है, इसका कैसे संभालना है, यानी ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसको कैसे हैंडल करना है वगैरह। तो आप उसको बोलो यार सीधा कम मेरे ऊपर आ जाओ ना एनी टाइम, तो ऊपर चाय बैठे पियेंगे, जब भी तुम बोर हो रहे हो कम अपस्टेयर्स विल टॉक एंड तुम्हें फौरन मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं नहीं हुआ तो मेरा कोई स्टाफ मेंबर होगा या मेरा कोई कॉलीग होगा। तो यार उसको ना एब्सोल्युटली रिलैक्स कर दो एंड उसके जहन में ये डाल दो, और प्लस अगर पूछ सकते हो ब्लेटरली पूछो। यार मैं ना आपको बताता हूँ, मैं ऑडिटिंग के दुबई में आपको डबल ऑडिटिंग करनी पड़ती है, एक तो हम इंटरनल करते हैं, मैंने बोला मेरे अपने पर्सनल अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन आपको बाद में एक्सटर्नल किसी कंपनी से किसी अकाउंटेंट से अपना जो अकाउंट्स है उसको ऑडिटिंग करवाना पड़ता है। बेशक दुबई में टैक्स नहीं है, वी स्टिल हैव टू सबमिट दैट एनुअली हर साल। तो मुझे 12,000 जो दिरहम है ना मेरे लगते हैं, एंड आई डोंट नो मे बी मैं महंगा दे रहा हूँ, मे बी मैं हिला हुआ हूँ बिकॉज अपनी जो सूरत हाल है पर कंपनी, बट आप शायद कम चार्ज करोगे, आई डोंट नो, अपनी हर बंदे की अपनी अपनी हिसाब की होती है, नॉट एवरीबडी चार्जेस द सेम। उसको पूछो कितने ले रहे हो एंड मे बी थ्रो इन दिस थिंग, यार आई गिव यू 20% सस्ता दे दूंगा तुम्हें, एटलीस्ट कम एंड ट्राई, विल बी वर्थ योर वाइल, ये तुम्हारे काम की चीज़ होगी, डोंट वरी, तुम्हारा वक्त नहीं जाया होगा। अकाउंटिंग तकरीबन सब सेम होती है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, अगर वो नहीं चलता तो मे बी ट्राई लाइक यार पहला साल फ्री। यहाँ पे दुबई में तो इंस्टेंटली जब आप जाते हो तो वहाँ पे बैंक आपको फीस चार्ज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 साल पहले तकरीबन 5 कंपनीज का मुख्तलिफ 5 अकाउंट्स खोले थे विद डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट लाइसेंसेस, तो एक ही महीने में मैंने खोले थे, जुलाई अगस्त में मैंने खोले थे, एंड 2 साल अभी भी पूरे हो रहे हैं एंड दिव नाउ स्टार्टेड चार्जिंग मी, 2 साल मुझे ने फ्री बैंकिंग दी है। सो यार लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाने के, अब सोच रहे हैं, इन दोनों के साथ हम कितना अर्सा हो गया, यहाँ भी यूके में मैं अपने अकाउंटेंट के साथ तकरीबन 16-17 साल हूँ, 16-17 साल उस इट्स आदतन यार, मैं वाई शुड आई मूव, बस काम हो रहा है चल रहा है, वाई शुड आई गो किसी और को ढूंढता फिरूँ। तो रिलेशनशिप बनी हुई है, एंड इफ यू वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यार पहला साल 6 महीने देना नो प्रॉब्लम, ठीक है, उनका फायदा भी हो जाएगा, यू पिकिंग दम, किसी से आप छीन के अपने पास लेके आ रहे हो, गो फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर, हिसाब रखते जाओ किसके पास गया किसके पास नहीं गया, कहाँ पे कौन कौन सा दफ्तर बंद था नहीं था, मे बी ऑक्यूपाइड नहीं था बाद में लोग आएंगे, कौन सा मालिक वहाँ पे नहीं था जिसको मिल नहीं सका प्रॉपरली, यार यूर एन अकाउंटेंट आपको प्रॉपर एक हिसाब रखना चाहिए, दिस फ्लोर दिस नंबर नहीं मिल सका उनको, दिस फ्लोर दिस नंबर जो है ना वो उसने ये फीडबैक दी थी, प्रॉपर अपने पास रखो सो यू कैन फॉलो अप उसके बारे में। जब ये एक बिल्डिंग खत्म हो जाती है मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू नेबरिंग, उनको वही पट्टी सुनाओ, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर क्लाइंट्स, यू डोंट नीड टू गो, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप कहो जी मैं भी आ सकता हूँ आपको, इफ यू हैव नीड मी मुझे फोन मारो, मैं 2 मिनट की तो बात आई, ऑलवेज नीड अ वर्क, वर्क तो हर बंदा यानी इस्तेमाल कर सकता है, सेहत के लिए अच्छी है, उनको ऐसे लालच दो, गेट दम इन नाउ, बाकी जो बिजनेसेस हैं आपके काम कैसे आएंगे, लोग अगर आप टिकट बेच किसी बाजार में हो, ये जरूरी नहीं है कि आप टावर में रहते हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टावर्स कम है, हम ज़्यादा हमवार इलाकों में रहते हैं, अपनी गली में जाओ, अपने मोहल्ले में जाओ, अपने वो बाज़ार में जाओ, अगर मिठाई बेचते हो यार ठेको छोटा छोटा सैंपल उठाओ, ठीक है, जिसमें आई नो 4-4 दाने हों बर्फ़ी के, 1-2 गुलाब जामुन के हों, ठेक एम टू एवरी सिंगल शॉप जो आपके आगे पीछे, ये गली ले गया जिसको यानी गो स्ट्रेट टू द ओनर, भाई जान आपकी कोई खुशी का वक्त हुआ तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमें जहमत दीजिएगा एंड ये थोड़ी मिठाई दे दी एंड मेक इट योर बेस्ट, एंड यार वो गाहक आपके आपके हाथ से खाएंगे यार, दे विल बी पक्के आपके लाइफ के लग जाएंगे, कुछ हमारे भी ऐसे ही होता है कि बेकरी के साथ यार रब्ता स्टार्ट हो जाता है, बस वहाँ से मिठाई लेनी है, खुशी हो जो भी हो सेलिब्रेशन हो वी ज़रा खुशी भी खाते हैं मिठाई, ये वैसे ही शौकिया खानी होती है, वी दैट्स व्हाट वी डू। टिकट बेचते हो तो यार गो टू एवरी सिंगल पर्सन, यार आपको टिकट चाहिए भाई आपका कहीं जा रहा है, ये मेरी दुकान है आइएगा, जब आप ऐसा करोगे ना यार वो दूर जाने से आपके पास आ जाएंगे, दैट्स हाउ यू पुल कस्टमर्स। आई डोंट नो और क्या हो सकता है यार, फोन रिपेयरिंग होगी, एनीथिंग जो भी आपके उसमें है दैट यू थिंक कि यार किसी और के बंदे काम से दर्जी के काम करते हो, तो यार सारे मर्द कपड़े पहनते हैं किसी ने वक्त तो सिवाते हैं, तो जो यार मैं ये दर्जी की दुकान मेरी है मेरे पास आ जाओ मुझे जहमत देना, ये मेरी इस्त्री करने वाली ड्राई क्लीनिंग वाली शॉप है, सो दैट्स द प्रिंसिपल, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तारिक साहब आई होप यू लाइक्ड एंड माय आइडिया एंड आपको यानी यू विल एक्ट ऑन इट एंड इंशाल्लाह आपको बोथ दे यू गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड कोशिश करने से ऑब्वियसली मिलता है एंड गिव अप ऑन द लिंक्डइन, वो लिंक्डइन दूर वाला माल है, पीपल कभी देखते हैं कभी नहीं, वहाँ पर इतनी स्पैमिंग होती है, और नेटवर्किंग अगेन कुछ लोग होते हैं वो आदतन नेटवर्किंग जाते हैं, स्टाफ मेंबर होते हैं बस उनको बस होता है कि जाना है वहाँ पे खाना है पीना है, हाथ दिखा के आ जाना है, हाजिरी लगा के आ जानी जी हम भी आए थे, सो इट्स नॉट वो एंड देर नॉट नेसेसरली डिसीजन मेकर, जो डिसीजन मेकर होते हैं वो पीछे रहते हैं। ओके तो दैट्स इट, दैट्स माय वीडियो, आई होप आपको पसंद आया, आई एम आजाद चायवाला, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, इफ यू वांट टू स्पीक टू अदर बिजनेसमैन
कम टू माई फॉरम chaiwala.com एंड वहाँ पे यार अक्रॉस पाकिस्तान अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों से बात कर सकते हो, अदर बिजनेस मैन उनसे मशवरा कर सकते हो. एंड दैट्स इट, मैं हूँ आज़ाद चायवाला, टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम. शुक्रिया फॉर एक्चुअली वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो मुझे एक वजह देनी दीजिए क्यों आपको सब्सक्राइब करना चाहिए. अगर आप गुलामी से देखो अब तक, हमने पॉलिटिशियंस को सिर्फ बुरे अल्फाजों से याद किया है, हमें हम गद्दार गद्दार खुदगर्ज चोरी बोला उनको. वी नेवर सेड एनीथिंग टू द मीठा, बिकॉज अगर आप देखो हमारे आगे पीछे स्कूल्स देखो, अच्छे स्कूल्स हमें तब मिले बिकॉज बिजनेस मैन उन्हें हमें दिए. उनको लालच था कि हमने पैसा कमाना है, अच्छे स्कूल देने पड़ेंगे, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, हमें अच्छा मीडिया, हमें अच्छे मॉल्स, दुकानें एक्सेट्रा, सड़कें, सब कुछ बिजनेस मैनों की वजह से मिला. बिकॉज कोई ना कोई बंदा था उसके पीछे जिसको खुद लालच था कि उसने अमीर होना है और उसने हमें सहूलतें देनी है. एंड दैट्स हाउ we will succeed aage jaate hue. We cannot rely on politicians. So meri kya mission hai, meri mission hai ki pakistan ke soye hue jo entrepreneurs hain, businessmen hain, unko hausla afzai unko karni, unko jagana. Unme se taqreeban 1 million ko millionaire maine jo hai na, yani 1 arab ko maine arabpati banana hai, and that is my life mission. So that's why you should subscribe. agar aapko seekhna hai, agar aapke paas job nahi hai, agar aap tang aaye ho apne halaat se, agar aap degree fazool leke phanse hue ho, then you need to become an entrepreneur. अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे, become a millionaire, become a businessman. जब आप millionaire बनोगे इंशाल्लाह आप आगे अपने हालात खुद ठीक कर दोगे, यानी you'll get every facility that you want, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, you'll be able to pay for any medication अंदर बाहर जहाँ भी आप चाहते हो. अपने हालात बदलोगे देन अजहर आपने साथ अपने पैसे तो कवर में लेके नहीं जाने, यू विल स्प्रेड इट टू द पीपल अराउंड यू. एंड अगर मैं कर सकता हूँ ऐसा देन आई विल एब्सोल्युटली ट्राई. इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को. ठीक है जी, मैं हूँ आज़ाद चायवाला, थैंक्स अगेन, अस्सलाम वालेकुम.